ब्रज की होली देखने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इसका लुत्फ उठाने आते हैं। कान्हा की नगरी में होली खेलने का अंदाज बिल्कुल ही अलग है। यहाँ रंग अबीर गुलाल के अलावा फूल, लड्डू, लठ और छड़ी से होली खेली जाती है। पूरे ब्रज में होली का उत्सव लड्डू मार होली के साथ शुरू हो जाता है। 21 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली खेली गई, तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं छड़ी मार होली के बारे में। 21 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली खेली गई। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को छड़ी मार होली खेली जाती है। छड़ी मार होली खेलने की शुरुआत नंदकिले के नंद भवन में ठाकुर जी के समक्ष राजभोग का भोग लगाकर की जाती है। हर साल होली खेलने वाली गोपियां 10 दिन पहले से छड़ी मार होली की तैयारियां शुरू कर देती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार छड़ी मार होली खेली क्यों जाती है। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार कान्हा जी बचपन में बड़े ही नटखट थे और वो गोपियों को काफी परेशान भी करते थे। गोपियां कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे छड़ी लेकर भागा करती थी। गोपियां छड़ी का इस्तेमाल कान्हा जी सिर्फ डराने के लिए करती थी। कहते हैं कि इसी परंपरा की वजह से गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाती है, जिसमें लट्ठी की जगह छड़ी का प्रयोग किया जाता है। बाल गोपाल को चोट ना लग जाए, इसलिए लट्ठी की जगह छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि छड़ी मार होली कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव का प्रतीक मानी जाती है। छड़ी मार होली की शुरुआत सबसे पहले नंद भवन में ठाकुर जी के समक्ष राजभोग का भोग लगाकर होती है। हर साल होली खेलने वाली गोपियां 10 दिन पहले से छड़ी मार होली की तैयारियां शुरू कर देती हैं। यहां गोपियों को दूध, दही, मक्खन, लस्सी, काजू बादाम खिलाकर होली खेलने के लिए तैयार किया जाता है। फिर फाल्गुन शुक्ल की द्वादशी तिथि को धूमधाम से छड़ी मार होली का आयोजन होता है। अगर होली की बात करें तो होली का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। इस साल 25 मार्च को देश भर में होली मनाई जाएगी और वहीं 24 मार्च को होलिका दहन है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का पर्व है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं, घरों में गुजिया और पकवान बनते हैं, लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। वहीं होलिका दहन भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की भक्ति का प्रमाण है। होलिका दहन के जरिए लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्मकर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।